गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास स्टैंडर्ड 4। स्टैंडर्ड 4 का हम लेसन कंटिन्यू करेंगे, चैप्टर 4, टेक टेक टेक। अब बेस ऑफ, इसका बेस मेन चीज क्या है? टाइम वॉच। टाइम दैट मींस नॉट ओनली हमारी क्लॉक, वॉल क्लॉक या डिजिटल क्लॉक नहीं है। टाइम दैट मींस मंथ, ईयर, डेज का भी टाइम हम काउंट करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक स्टोरी थी मोहन की, तो वो अपने, उसका वैकेशन कंप्लीट हो गया है, तो वो अपने नानी के घर से फिर अपने घर जाने वाला। तो वो, उसकी मम्मी उसे बोलती है कि जल्दी से रेडी हो जाओ, हमारी ट्रेन छूट जाए। तो मोहन है ना, मन में यही सोचता है कि अच्छा हो हमारी ट्रेन छूट जाए, किसी को भी अपना वैकेशन कंप्लीट हो जाए तो अच्छा नहीं लगता है। वैसे ही मोहन को भी ऐसा ही लग रहा है कि वैकेशन कंप्लीट नहीं होना चाहिए, आज हमारी ट्रेन छूट जाए तो मुझे और एक दो दिन नानी के घर रहने का मौका मिल जाएगा। वो लोग दौड़, मतलब उसके, उन लोगों की टाइम, ट्रेन का टाइम था 5:30 उनका ट्रेन का टाइम था। तो वो लोग 5:15 पे इस रेलवे स्टेशन पे पहुंच गए, बट वहां जाके देखते हैं तो क्या हुआ, ट्रेन चली गई थी, ट्रेन मिस हो गई थी। तो ये ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि ट्रेन का टाइम 5:30 था जबकि वो लोग 5:15 पे स्टेशन पे पहुंच गए थे, तो ट्रेन कैसे मिस हो गई। तो यहाँ पे उन लोगों ने टाइम जो था वो प्रॉपर तरीके से पढ़ा नहीं था। जो 5:30 दैट मीन्स टिकट में, जब वो टिकट चेकर को बोलते हैं कि ऐसा कैसे हुआ हमारा, तो टिकट चेकर उनको बताते हैं कि देखो भैया यहाँ पे क्या लिखा है, 17:30 दैट मीन्स 24 आवर के क्लॉक के अकॉर्डिंग टिकट मिली थी, बट उन लोगों ने वो चीज़ ध्यान ही नहीं दी थी। तो वो जो टाइम था वो सॉरी 5:30 दैट मीन्स अगर वो इवनिंग का 5:30 होता तो वहाँ पे लिखा होता 17:30, बट यहाँ पे 5:30 दैट मीन्स AM मॉर्निंग का टाइम लिखा था, बट उन लोगों ने वो चीज़ ध्यान में ही नहीं ली थी। तो उसी के बेस पे हम यहाँ पे एक चीज और सीखेंगे कि टाइम बाय योर वॉच, जो हमारी वॉच जो होती है, वॉल क्लॉक होती है, हमारी रिस्ट वॉच होती है, उसका जो टाइम होता है वो 10 आवर क्लॉक के बेस पे चलता है, और नेक्स्ट क्लॉक जो होती है टाइम बाय 24 आवर क्लॉक। तो वो यहाँ पे जो टाइम है, तो यहाँ पे क्या लिखा है वो हमें करना है। यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है, 1 o'clock फर्स्ट नंबर, 1 o'clock इन द आफ्टरनून, सॉरी आफ्टर। फिर सेकेंड नंबर जो है 2 o'clock इन इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून। फिर है 3 o'clock, 3 नंबर है 3 o'clock इन आफ्टर नून, 4 नंबर 3:30 इन द आफ्टर नून, 5 नंबर जो है 6 o'clock इन द इवनिंग, यहाँ पे 6 o'clock इन द इवनिंग, फिर है 6 नंबर पे 9 o'clock इन द इवनिंग,
o'clock at 9. Swallow clock at 9. तो ये इसी के बेस पे हमें करना है कि 1 o'clock मतलब यहाँ पे आएगा 14 आवर। यहाँ पे कैसे करेंगे हम कि ये जो चार्ट जो है टाइम बाय 12 o'clock, तो यहाँ पे हमारा हमारे क्लॉक में टाइम क्या हुआ है 1 o'clock इन द आफ्टरनून। आफ्टरनून मतलब 12 o'clock के बाद वाला आफ्टरनून हो जाता है, तो 1 o'clock इन द आफ्टरनून तो हो जाएगा 13। मैं यहाँ पे एक चार्ट आपको पहले बना देना है, ये 12 आवर और 24 आवर क्लॉक का आप लिखो, चार्ट लिखो, उससे पहले आपको ये चार्ट बना देना है कि हमारा डे कैसे चेंज होता है। तो ये यहाँ पे लिखा है 12 o'clock एंड नाइट, 12 o'clock Nine. तो यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है तो 12, तो यहाँ पे हो जाते 24 आवर में 0.00 हो जाते 0.00। फिर 1, तो यहाँ पे भी 1 आएगा, 2, 3, 3 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 10। फिर 11, तो यहाँ पे आएगा 11, 12, तो यहाँ पे भी आएगा 12, ओके। ये मिड नाइट से स्टार्ट किया है 12 at night, तो यहाँ पे 0.00 hour दिखाएगा कॉलिंग क्लॉक में, तो ये वाली 24 hour क्लॉक में एट नाइट से हम स्टार्ट करेंगे, तो 12 at night पे यहाँ पे 0.00 hour दिखाएगा। फिर 1 o'clock तो 1 hour, ये जो है वो है 12 hour क्लॉक वाला, तो यहाँ पे 1 o'clock से स्टार्ट करना है। यहाँ पे कैसे स्टार्ट करना है नाइट से, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 आप सुबह 6 बजे उठते हो, 7 o'clock पे आप स्कूल आते हो, फिर हमारे स्कूल आप 12 o'clock तक रहते हो, तो यहाँ पे 12 हो गया, फिर 1 बजता है, दैट मीन्स यहाँ पे 1 होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 14, यहाँ पे 2, यहाँ पे आएगा 14, 3, यहाँ पे आएगा 15, तो आपको पूरे 24 आवर क्लॉक के बेस पे आपको ये लिख के जाना है, ओके, पूरे चार्ट में। तो इस तरह का 1 night से स्टार्ट करोगे 12 at night, तो 0.00 hour से स्टार्ट होगा, फिर वो आफ्टरनून, ये जो है 12 आफ्टरनून। तो यहाँ सॉरी 1 से तो यहाँ पे 13 आता जाएगा, 12 का तो 12 ही रहेगा। यहाँ पे एट नाइट पे 12 आवर का 24 आवर के क्लॉक में 0.0 होगा, और 1 night के 1 o'clock से यहाँ पे 1 से स्टार्ट होता है। फिर आफ्टरनून में जब 1 o'clock होता है तब यहाँ 24 आवर क्लॉक में क्या स्टार्ट हो जाता है 13 नंबर से स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे लिखा है 1 o'clock इन द आफ्टरनून, तो वो यहाँ पे कितना टाइम होगा 13 आवर। फिर 2 o'clock इन द आफ्टरनून, तो यहाँ पे टाइम हो जाएगा 14 आवर। फिर यहाँ है 3 o'clock इन द आफ्टरनून, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 आवर। यहाँ पे एक चीज आपको क्या समझनी है कि 1 है तो 13, 2 है तो 14, 3 है तो 15, मतलब क्या हो रहा है कि आफ्टरनून के बाद 12 o'clock डे में, डे टाइम में 12 o'clock के बाद जब आफ्टरनून वाला जो टाइम स्टार्ट होता है 1 o'clock से, तो 1 o'clock
में 12 ऐड कर दोगे तो 16 हो जाएगा, दैट मींस 24 आवर वाली क्लॉक में क्या टाइम लिखा है ये 16 आवर, यहां पे है 3 आवर एंड 30 मिनट इन द आफ्टरनून, तो यहां पे 3 आवर है तो 12 में 3 ऐड करो, 12 है उसमें 3 ऐड करना है, 13 14 एंड 16 तो यहां पे आएगा 16 एंड ये जो 30 मिनट है तो 30 मिनट में 12 ऐड नहीं करना है, मिनट का मिनट ही रहेगा और ये मिनट जो होती है वो चेंज नहीं होती है बट यहां का आवर जो है वो चेंज होगा, ओके उसका फिगर चेंज होगा, 24 आवर क्लॉक में मिनट चेंज नहीं हो, यहां पे 6 क्लॉक इन द इवनिंग अभी 6 है तो आपको क्या करना है 12 में 6 ऐड करना है, ये 24 आवर वाली क्लॉक है तो उसमें क्या करते जाना है प्लस 12, जो भी फिगर हमें यहां पे मिले उसमें प्लस 12 करते जाओगे तो आप इजीली ये वाला फिल कर पाओगे, प्लस 12 करना है, 6 है तो 6 में ऐड कर देना है 12, दैट मींस 12 में 6 ऐड करो तो 12 है, 12 को माइंड में ही रखना है कि ऑलवेज वो 12 ही आने वाला है, ओके तो 12 है और हमें 6 को क्लॉक है तो 6 को फिंगर में ले लो, 7 8 9 10 11 12 तो कितना सॉरी 12 है और 6 है यहां पे तो 12 को माइंड में रखो, 13 से काउंट करेंगे 13 14 15 17 और 18 तो यहाँ पे क्या टाइम आएगा 18 आवर, क्या टाइम हो जाएगा 18 आवर, फिर नेक्स्ट है 9 ओ क्लॉक इन द इवनिंग, अभी यहाँ पे 9 ओ क्लॉक हुआ है रात को जब आप लोग सो जाते होंगे या 10 ओ क्लॉक पे सो जाते होंगे तो अभी हमें क्या करना है फिंगर में 9 ले लेने हैं, 5 6 7 8 और 9 को फिंगर में ले लो, 12 तो हमें पता ही है कि हमें कितने ऐड करने हैं, 12 में 9 ऐड करना है, 12 के बाद 13 14 15 16 17 18 19 20 21 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 21 आवर, ओके फिर है 12 क्लॉक एट 9 तो 12 क्लॉक एट 9 में क्या हो जाता है 00.00 0 मिनट भी 0 हो जाती है और आवर भी 00 ओके क्या होगा यहाँ पे 12 क्लॉक एट 9 में 9 के 12 क्लॉक हो गए दैट मींस हमारा डे आपने देखा होगा मैंने आप प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि किसी की बर्थडे होती है जैसे आज 22 जुलाई है तो आज जिसकी बर्थडे होती है तो आप बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा करते हैं या फिर बहुत सारे फ्रेंड्स भी ऐसा करते हैं कि रात को 12 बजे ही विश करते हैं हैप्पी बर्थडे, तो वो क्यों करते हैं क्योंकि रात को 12 बजे हमारा 12 क्लॉक पे हमारा डे चेंज हो जाता है तो वो फिर से काउंटिंग ना ऐसे स्टार्ट होती है कि इस क्लॉक में 24 आवर वाली क्लॉक में 12 क्लॉक के बाद 00 फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आफ्टरनून के 12 क्लॉक पे 12 फिर 1 ओ क्लॉक हुआ तो 13 2 ओ क्लॉक पे 14 3 ओ क्लॉक पे 15 4 ओ क्लॉक पे 16 17 ऐसे कंटिन्यू तो आप रात के 11 बजे है तो क्या टाइम होगा 23 आवर किस क्लॉक में 24 आवर वाली क्लॉक में जबकि हमारी 12 आवर क्लॉक है तो वो तो हम उसमें क्या करते हैं एम पीएम लगा देते हैं ना कि एम हुआ है पीएम हुआ है एम दैट मींस मॉर्निंग वाला टाइम और पीएम मतलब इवनिंग आफ्टरनून वाला टाइम ओके तो वो हम 12 आवर क्लॉक में करते हैं बट यहाँ पे सीधा सीधा काउंट होता है तो उन लोगों पे जैसे जो स्टोरी थी जिन लोगों की ट्रेन छूट गई उनकी ट्रेन की टिकट पे 5:30 लिखा था दैट मींस वो मॉर्निंग का टाइम था 17:30 लिखा होता जैसे 5 o'clock है आफ्टर इवनिंग वाले 5 o'clock है तो 12 में 5 ऐड करोगे तो 17 हो जाएगा दैट मींस वो जो टिकट आपको देते अगर रेलवे वाले तो उसने 17:30 टाइम लिखा होगा
आप भी कभी चेक करना ट्रेन की टिकट आपकी आगे की, अभी तो आप लोग कहीं घूमने नहीं जाते हो, बट आप कभी चेक करना कि आगे की टिकट आपके पास पड़ी है। अगर वो टिकट इवनिंग की है, ट्रेन की इवनिंग की ट्रेन की टिकट है, तो उसमें क्या किस तरह से टाइम लिखा है वो आप एक बार चेक करें। यहाँ पे अब मैं रॉक कर रही हूँ और दूसरे हम लिखते हैं होता है। डे के 12 o'clock के
में बात का टाइम पीएम में कन्वर्ट हो जाता है और ये एएम, तो ऐसे एएम और पीएम तो लिखा ही होता है। अगर एएम लिखा है तो 7 o'clock ही रहेगा, बट यहाँ पे 7 PM लिखा है तो हमें 12 में 7 ऐड कर देना है, तो कितने हो जाएंगे, 19 आवर्स हो जाएगा। यहाँ पे 10:30 आवर एट इवनिंग, मतलब रात के 10 एट नाइट, सॉरी एट नाइट पे, तो 10:30 है तो 12 में 10 को ऐड कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 22 आवर एंड 30 मिनट, तो ये हो जाएंगे आपके इस तरह से। तो ये चार्ट आपको प्रॉपर तरीके से फिल करना है। आज हमने दो चार्ट करें, 12 आवर और 24 आवर के दो चार्ट करें, और उस तरह से भी आप लिख लोगे प्रॉपर तरीके से, ऐसा लगे तो दो डिवीजन कर देना, 9 से लेके 12 तक, फिर 12 का दूसरे पार्ट में लिख देना 12 to 24 तक आएगा, कहाँ तक आएगा, 24 तक, तो वो आपको 13 नंबर से, हमारी क्लॉक में तो 1 o'clock ही होगा, बट उनकी क्लॉक में 13 नंबर से स्टार्ट हो जाएगा 24 आवर क्लॉक। तो उसी के बेस पे थोड़े क्वेश्चन है वो हम लिखते हैं। यहाँ पे जैसे मुनमुन ने और फिर उन लोगों ने उसके पापा ने टिकट का टिकट कलेक्टर से बात की, तो उन्होंने ये चीज़ उनको बताई, फिर वो उनको भी नॉलेज नहीं था, तो उसकी मम्मी पूछती है ना, कैन यू टेल व्हाई 24 आवर क्लॉक इज कॉल्ड सो, तो 24 आवर क्लॉक इज कॉल्ड सो बिकॉज इट शो टाइम फॉर वन होल डे 24 आवर। Suppose a train leaves at 8:30 at night, the time written on the railway ticket would be, तो 8 में 12 को ऐड कर देना है तो कितने हो जाएंगे, 20 आवर एंड 30 मिनट। इन 12 आवर क्लॉक ईच टाइम कम टू इट ट्वाइस इन अ डे, 5:30 इन द मॉर्निंग, 5:30 AM, फिर 5:30 इन द इवनिंग, तो क्या लिखा होगा, 5:30 PM। What about 12:30 इन द आफ्टरनून, तो यहाँ पे that is 12:30 PM. After 12 o'clock at noon, we use PM till midnight. तो हम night के, यहाँ पे एक चीज आपको समझनी है, after 12 o'clock at noon, We use PM till midnight. तो हमारी जो क्लॉक होती है तो हम नून मतलब दोपहर के, हमें पता है कि सुबह जब आप स्कूल आते हैं तो मॉर्निंग होते हैं, तो वो चीज हमें पता होती है कि मॉर्निंग है, तो मॉर्निंग से जब से हम उठते हैं और 12 बजे तक हम मॉर्निंग किसी को बोल सकते हैं, बट जैसे ही तो नून मतलब दोपहर के 12 बज गए तो वो हम किसी को गुड मॉर्निंग नहीं कह सकते, उसके बाद हमें क्या बोलना होता है, गुड आफ्टरनून। जैसे आपका लास्ट पीरियड होता है तो भी आप लास्ट पीरियड आपका 12 o'clock पर स्टार्ट हो जाए क्लास में, फिर भी आप लोग टीचर को गुड मॉर्निंग ही बोलते हैं, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि ये लास्ट पीरियड है, दैट मीन्स ये आफ्टरनून हो गया है ना, तो हमें गुड आफ्टरनून बोलना होता है, फिर वो आफ्टरनून फिर शाम को जब हो जाते हैं 6 o'clock हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, जैसे इवनिंग हो जाती है, सनसेट होने वाला होता है ना, तो इवनिंग हो जाती है, तो फिर हमें कोई अगर मिले तो हमें उसे क्या कहना है, गुड इवनिंग कहना है, और रात को सोने के टाइम हम सबको गुड नाइट कह के सोते हैं ना, तो वो कितने पार्ट हो जाते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड नाइट। तो यहाँ पे भी यही चीज है कि आफ्टर 12 o'clock एट नून वी यूज PM टिल midnight, midnight का मतलब रात के 12 बजे तक हमें कोई टाइम पूछे तो हमें PM लिखना होता है, पीछे टाइम क्या आता है PM, और मॉर्निंग से 12 o'clock तक का टाइम होता है AM। अभी यहाँ पे यू मस्ट हैव नॉट
वन आता है तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 5:30 और यहाँ पे हमने लिख दिया 6:30, तो ये कौन सा टाइम हुआ पता ही नहीं चलेगा। यहाँ पे 5:30 तो यहाँ पे AM लिख देना है, यहाँ पे 6:30 है जो सनसेट कब होता है, शाम को होता है ना, इवनिंग में होता है, तो यहाँ पे आएगा PM। PM PM कहाँ तक चलता है, नून के पैडो क्लॉक्स के क्लॉक से मिड नाइट पैडो क्लॉक तक क्या रहता है, PM ही रहेगा। बाकी मॉर्निंग मिड नाइट से जब फिर से वन नंबर से स्टार्ट होता है तब तब से लेके दोपहर तक का टाइम 12 o'clock तक AM रहे, तो ये दोनों चीज होती है। फिर हम यहाँ पे एक चार्ट प्रिपेयर करेंगे, where have you seen 24 hour clock hour clock being used आपने कहाँ देखी है ऐसी, where have you seen 24 hour clock being used, तो कहाँ पे 24 hour clock use होती है, first है railway time table, फिर second है airport time table, and last one is bus time table. तो यहाँ पे हमने 12 आवर और 24 आवर क्लॉक के बारे में बहुत सारी चीजें सीखी है। और यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या है कि where have you seen 24 आवर क्लॉक being used, कहाँ पे आपने 24 आवर वाली क्लॉक देखी है। तो आप देखोगे तो अभी के टाइम में हॉस्पिटल में भी होता है, आप यहाँ पे एक्स्ट्रा लिख सकते हो एट हॉस्पिटल, क्योंकि जैसे ही बेबी बॉर्न होता है वो लोग टाइम मेंशन करते हैं कि कितने बजे बेबी बॉर्न हुआ, तो वो टाइम 24 आवर की क्लॉक के बेस पे लिखते हैं वो लोग, एग्जैक्ट टाइम वो वहाँ पे मिल रहा है इसलिए। तो यहाँ पे ये चारों जगह और भी कोई जगह है जहाँ पे आपने देखा हो तो वो आपको खुद मेंशन करना है। आज हमने बहुत ही एक अच्छी सी चीज सीखी है और ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, आप करोगे तो आपको आता जाएगा। मैं ये जो हम कंटिन्यू करेंगे, वैसे ये लेसन यहीं पे कंप्लीट हो जा रहा है, बट हमें एक्स्ट्रा बहुत सारी चीजें करनी है। ये लेसन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है हमारा टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग, बट यहाँ पे मैं बहुत सारे एक्स्ट्रा फिलिंग द ब्लैंक्स और सम करेंगे, जैसे मैंने आगे कराया था मैथ्स पीरियड वाला कि कितने मिनट का होता है, फिर बर्थडे पार्टी में जाते हो तो वो कितना आवर काउंट लेते हैं, तो वो सब उस टाइप के